भारतीय कमर्शियल परवाजों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा भी पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजर गया। भारतीय वज़ीर आज़म का जहाज गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजर कर इटली गया। तर्जुमान CAA के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के तैयारे को फजाई हदूद से गुजरने की इजाज़त मुतल्लिका अथॉरिटी ने दी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरकर इटली गया। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस जहाज में सवार थे वो जहाज बोइंग 777 था, जो बावलपुर की फजाई हदूद से पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जहाज तुर्बत और पंजगोर की फजाई हदूद से गुजरकर पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर गया। जहाज ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से टेक ऑफ किया था। वज़ीर आज़म मोदी भी जहाज में सवार थे। भारतीय वज़ीर आज़म अपने दौरे के इख्तिताम और वापसी पर भी पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरकर दिल्ली लैंड करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के तैयारे के हवाले से जब हमने तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस जहाज में सवार थे वो गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरकर इटली के लिए रवाना हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।